अभी सुबह सुबह किचन में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कोई भी नहीं है। सब अपने काम धंधे पर लगे हुए हैं बाहर पे। और यहाँ हमारी डिमांड पे एक्सेसिव डिमांड बना है आज, फिर से बाड़ी बनाया हुआ है। काफ़ी दिनों से बोल रहे कि बाड़ी बनाओ बाड़ी बनाओ, काफ़ी टाइम से खाया भी नहीं था, तो आज फाइनली बन गया है। मौसम का हाल दिखाते हैं आपको, फिर से ऐसे ही है, मौसम पैक है पूरा। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, आप धूप यहाँ पे देख सकते हैं और बादल आप ये देख ही सकते हैं, पूरे मौसम यहाँ से आप सामने भी देख सकते हैं। यहाँ पे केदारनाथ रहा आप देख सकते हैं, यहाँ बर्फ़ गिरी हुई है पूरी। तो सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का रहता है, आप धूप लगी है लेकिन आज सामने से बादल आए हुए हैं और बारिश तो रुकने का नाम ले रहे, शाम को डेली बारिश हो रही थी हमने यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये तिरपाल लगाए हुए है, क्योंकि जो छाने होते हैं तो बरामदे में पूरा पानी आ जाता है, क्योंकि ऐसे तिरछे में बारिश होती है पूरा पानी बरामदे में आ जाता है। दिन में हमने ये तिरपाल लगाया था कल। तो भैया बड़ी मुश्किल से धूप निकली है, आप देख ही सकते हैं। तो घर में सारे काम स्टार्ट हो गए, धूप निकलते ही सारे काम स्टार्ट हो गए। जो हमारा सरसों था वो भी हमने धूप पे डाल दिया बाहर सुखाने के, क्योंकि वो कट्टों पे रखा हुआ था, तो अंदर कट्टों पे क्या होता है वो सड़ जाता है, जो प्लास्टिक कट्टे रहते हैं। और हम जा रहे हैं अभी खेत में जौ को लेने के लिए, जैसे हम कल गए थे, कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वैसे आज भी जा रहे हैं। घर में लगे हुए कुछ लोग कूटने पर लगे हुए। तो स्वागत आगे फिर से हमारे ब्लॉग चैनल में, मेरा नाम नितेश गैला और आप देख रहे हैं नितेश गैला ब्लॉग। तो फिर चलते हैं, पहले खेत में चलते हैं और वहाँ से जौ लेके फिर घर में आते हैं, और घर में फिर जौ कूटते हैं, बहुत सारा काम है क्योंकि थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। दिन के बाद फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तो काम होने से रहे। चलो बाहर लग रहा पीढ़ी पर, चल लगो बच्चे टाइम लगे तो भी निकलते हम घर की ओर। जो हमने रख दिया पीटे फिर से, वो बंग वही नहीं मिला आज। तो अभी निकलते हैं, घर में भी काम है अभी, जो रखे हुआ अभी वो भी कूटने हैं अभी, तो जल्दी से निकलते हैं। अरे रास्ता, कैमरा मेरे को अंदर रखना पड़ेगा। जो गेंद कूटना भाई कल बाहर तो भी खेत से लाके हमने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे आप हाथ पे देख सकते हैं ये लाल निशान पड़ गए हैं।
चूहे वाले। और टाइम पास के लिए हमारे यहाँ पे कैरम बोर्ड भी रखा हुआ है। तो अभी निकलते हैं मार्केट की ओर, खाना खुना भी हो गया है और जो काम था वो भी हो गया है। अभी चलते हैं मार्केट में। अभी मेरे को अपना हेलमेट लेना और गाड़ी की चाबी लेनी, क्योंकि कल मैंने वहीं से जो लेने चले गया था और आलोक के पास मैंने दी थी हेलमेट और चाबी, बाइक को ही लेके गया था। अब बाइक के पास चलते हैं और चाबी और हेलमेट लेते हैं, उनके साथ घर पर रखा हुआ है। घर से पहले चाबी उठाते हैं और मार्केट चलते हैं। गाड़ी चलाएंगे नहीं, बस अपने पास चाबी रहे तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं मार्केट की ओर। ये पड़ा हुआ है हेलमेट यहाँ पे, उसको बाद में लेके जाएंगे, अभी तो मार्केट चलते हैं। तो ये मार्केट है, घूम फिर के फिर से घर में आ गए हैं। मार्केट में काम है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है तो बाजार में करना क्या है। वैसे भी हम बाइक की चाबी लेने गए थे और हमने ले ली है और घर में आते ही काम शुरू है। देख लीजिए आप, जो छाड़ने का काम होता है वो अभी कर रहे हैं ये, और जो छाड़ के यहाँ ऊपर डाले हुए हैं और फिर ये आज के कूटे हुए जो ये डाले हुए हैं यहाँ पे, जो हमने कूटे थे और कर लिए, ये तैयार है फिर से। एक दो तीन, ये तीनों पार्टी लगी हुई है। इस एक का मुँह इधर है, एक का मुँह इधर है और दादी का मुँह भी इधर ही है। और हम खेलते हैं कैरम, ये लगे हुए काम धंधे पे। हमने अपना काम निपटा दिया है, निपटाया है उन्होंने काम ना, पता ना, बिल्कुल ना, कुछ बोल दो। बूट खुले लिया हम, काल काल कोट रहे हम, अभी तक चलिए डर सक। अरे अभी रात के टाइम 9 बज रहे हैं, अरे आप देख सकते हैं 9 बजे हैं। काम भी अभी चल रहा है यहाँ पे, ये रात को थोड़ा हवा होती है तो इसलिए यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। और हम आ गए यहाँ पे रोटी खाने के लिए, और रोटी यहाँ पे अभी बन रही है। और इन कट्टों में जो है कि वो जो हम दंदी गए थे उनका जो हम दंदी गए थे उनका सरसों यहाँ पे, और जो आज जो परसों हमने यहाँ पे सरसों मारा था वो सरसों यहाँ पे रखा हुआ है। गुना भी नहीं बंद होना है। तो अभी रोटी खाते हैं और ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी पार्टनरशिप ब्लॉग देखने के लिए। छोटा सा ब्लॉग था बस, जो पहाड़ में आजकल हो रहा है घरों में वही आपको दिखाया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें। तो आपको मिलते हैं फिर किसी दूसरी पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में।